जिसके वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है, ना ये चीज़ होता ना यहाँ इतनी भीड़ होती। संख्या में भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे भगदड़ किसी भी बात को लेकर हो सकती है। पूरी की पूरी सजावट जो है वो सतुआ का पत्ता का बना हुआ है, और यही झारखंड की खूबसूरती है कि हम लोग नेचर को बचाते हैं और नेचर की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने यहाँ का जो खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हे गाइस, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे आप सब। आज किस नई और एक खतरनाक और खूबसूरत ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी शाम के 5:30 बज रहे और आज आप देख सकते हो पीछे आपको वो बूढ़ा वाला कार नजर आ रहा होगा। ये कार बहुत ज़्यादा बूढ़ा है और अभी हम लोग इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और इससे एक जर्नी पे जा रहे हैं। पता नहीं, हमको उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, स्टार्टिंग में कोई इसके बारे में पता नहीं था, बाद में पता चला कि ये गाड़ी बूढ़ा है और जो चलाने वाला है वो बहुत ज़्यादा नया है। तो हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और जहाँ हम लोग जाने वाले वहाँ तक जाते जाते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, और इस बीच में यदि इस गाड़ी ने धोखा दिया तो हम लोग बीच रास्ते में फंसने वाले। और हमारे साथ हम अकेले नहीं है, टोटल 6 जन है और ये सभी 6 जन का वाट लगा देगा ये बूढ़ा कार। तो देखने वाले हैं कि ये कार सही सलामत हमें वहाँ तक पहुँचा पाती है या नहीं, या फिर हमें बीच रास्ते में ये धोखा देती है। तो गाइस, चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो गाइस, पूरे वीडियो को अंत तक देखना से या फिर इस गाड़ी के माध्यम से हम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं या नहीं। और मैं आपको अभी बता दूँ गाइस, हम लोग जाने वाले आज झारखंड के सबसे बड़े मंदिर, सबसे बड़े जो मेला लगता है राजधनवार जगह है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले। वहाँ पे ना छठ पूजा के टाइमिंग में जो मेला लगता है वो कहा जाता है, पूरे झारखंड सबसे फेमस मंदिर है और सबसे फेमस मेला लगता है। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले, गाड़ी रेडी है, बस हम लोग बैठने वाले, फिर यहाँ से निकलते। तो गाइस, मिलते हैं डायरेक्ट मेले में। ये गाड़ी एकदम भूतिया टाइप से, आप इस आवाज सुनो पीछे से कैसे आ रहा है, जहां से सुनो बस ढट 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 ढट। शाम के 7:30 हो रहे, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी और पीछे आपको मेले जाने का रास्ता है, चलते और आपको भी दिखाते हैं। हमने गाड़ी को यहाँ पे पार्क करके रखा हुआ है और यहाँ से अभी हमें 1 किलोमीटर और दूर जाना है, तब जाके हम लोग मेला पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ होने की वजह से गाड़ी को आगे लेके नहीं जा सकते, तो गाड़ी को हम लोग कहीं पर पार्क करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे हम लोग मेले के नज़दीक आ रहे हैं तो जो भीड़ है वो काफ़ी संख्या में बढ़ते जा रहा है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ा और काफ़ी संख्या में लोग आए। उनको एक बार समझ में ही नहीं आता कि क्या खास है इस मेले में जो इतने सारे लोग आते और वो भी बहुत दूर दूर से। अब मैं फाइनली मेले में अंदर हूँ और अभी आपको दिखाते बाहर का क्या सीन है, कैसा नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए, और मैंने कल के बाद से इतना ज़्यादा बोला कि मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे कुछ चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है कंस और श्री कृष्ण का युद्ध, और इस चीज को देखने के लिए काफी भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इतने ही उससे भी ज्यादा लोग पीछे। इतनी काफी संख्या में यहाँ पे लोग हैं कि यदि आप हाथ पकड़ के नहीं चलते हो तो बिल्कुल खोस आने वाले हो। और यहाँ जो बच्चे हैं उसको आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पे खाली छोड़ नहीं सकते, इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं। ऐसे पॉकेट मारों के पीछे हमारे प्रशासन और समिति के लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। बच के रहिए भाई, ए लड़का बच के रहो, तुम सीसीटीवी कैमरे के नजर में दिख रहे हो, सीसीटीवी कैमरे के नजर में दिख रहे हो, जो हमारे भीड़ में जहाँ तहाँ जो तुम शरारत कर रहे हो, तुम्हारे पीछे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं।
ज्योति को। तो गाइस मैं आपको अब वो चीज दिखाने जा रहा हूँ जो जिसके वजह से ये राजधनौर जो मेला है वो काफी ज्यादा फेमस है, और उस फोटोज को देख करके काफी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से भी भारत आ रहे, दूसरे राज्यों से भी झाड़ करके राजधनौर मेले में आ रहे, और यहाँ पे कभी लाखों लोगों का भीड़ है। आप जो भी सामने देख रही जो आपको बना हुआ दिख रहा होगा बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर, इसको पूरी के पूरी बांस से बनाया गया है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको देख के बिलीव नहीं होगा कि ये क्या है, कैसे है, किस हिसाब से बनाया गया होगा। तो ये बाहुबली का वही देवसेना। दोस्तों ये बाहुबली का वही बोर्ड है जिसे होकर के बाहुबली ने देवसेना को लेकर आया था। तो बोर्ड को आप अच्छे से ध्यान से देखो, उसको पहचान लो, और जब अगली बार आपको मौका मिले तो यहाँ पे आकर के इसका आनंद ले सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे एक पोंड, ये छोटी सी तालाब टाइप की बनी हुई है पोंड टाइप का, और यहाँ पे दोनों साइड से अर्घ दिया जाता है, और इसके दोनों किनारे पर ना पुल बना हुआ है, एक यहाँ पे बांस का और दूसरा वो आप जो नाव देख रहे हो वो उसके अंदर से भी लोग आना जाना करते, तो वो भी एक पुल ही है। ऊपर में ये चांद इस नाव की सुंदरता को बढ़ाता हुआ, और ये जो नाव है उसके बीच में रास्ता है, उससे होकर के लोग यहाँ से निकल जाते और उधर वहाँ पे वापस निकल आते, और फिर ये चारों साइड से घुरा हुआ है, वहाँ से जा करके वहाँ पे एक और पुल बना हुआ है, और उसे होकर के वापस आकर इस रोड में आ जाते। अभी मैं यहाँ के सबसे ऊंचे स्थान पर हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कितनी सवारी संख्या में लोग यहाँ पे जमा हुए। इतना ज्यादा भीड़ है कि इस बोट का जो प्रवेश द्वार है वो बहुत ज्यादा भर चुका है, पैर रखने का भी स्थान नहीं है। ये पूरे झारखंड का इकलौता ऐसा मेला है जहाँ जो कि रात में लगती है, और काफी संख्या में हजार लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आके इसका विजिट करके जाते हैं, और ये इकलौता अट्रैक्शन पॉइंट है जिसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ है। ना ये चीज होता ना यहाँ इतनी भीड़ होती, इतना ज्यादा भीड़ है, और इसी भीड़ में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, और इस बोट के अंदर से होके इस पार जाने वाले। चल भाई, तो मेरे साथ इतने सारे लोग, करीब लोग 5 से 6 जने क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, और जब बोट से जाने वाले अंदर सबसे ज्यादा जहाँ पे भीड़ है इस मेला में वो यही है। कबाब में हड्डी यही है, कबाब का हड्डी जो ना यही बोट है, इसी बोट की वजह से यहाँ पे इतनी सारी संख्या में लोग हैं। पर तारीफ करनी होगी इस बोट की, बनाने वालों की, यहाँ के कलाकारों की, और यहाँ का जो संयोजक है जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट करा हुआ है, ऑर्गेनाइजर है, उनकी तारीफ करना होगा कि इतना ज़्यादा भीड़ को वो भी संभाल पा रहे, और ये जो बोट है उनको बनाया है। अरे तो गोपाल में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्या बोला वापस आए। ये तो फूल आप देखो पूरे मास्क में, काफी संख्या में लोग आए हुए। जो पुल आप देख रहे हो उससे होकर के हम लोग वापस इस पार से इस पार आ गए, काफी संख्या में भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ पे भगदड़ किसी भी बात को लेकर हो सकती है। और ये जो आप पुल देख रहे हो, ये जो आप नाव देख रहे हो, वो पूरा जो है अंदर से बांस से बना हुआ, उसको और ज्यादा खूबसूरत करने के लिए जो छोटा वाला पत्ते का बना हुआ दोनों आता है उससे इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है।
ये है दूसरा सबसे चर्चित और अट्रैक्टिव चीज। ये जो आप सजावट देख रहे हो वो पूरा का पूरा वो पेपर क्या होता है, कागज का दोना का बना, कागज नहीं पत्ते की दोना का बना हुआ है और अंदर में सूर्य देवता जी। ये भी फोटो ना सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल है। ये जो फोटो देख रहे हो वो सूर्य देवता का सूर्य का मूर्ति बना हुआ है। ये किस मेटेरियल का बना हुआ है और क्यों ये इतना ज्यादा फेमस हो रहा है? वही तो बता रहे हैं कि पत्थर का बना। पूरी की पूरी सजावट जो है वो सखुआ का पत्ता का बना हुआ है और यही झारखंड की खूबसूरती है कि हम लोग नेचर को बचाते हैं और नेचर की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने यहाँ का जो खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस मेले में बस इतना ही है जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो। बस भीड़ बहुत ज़्यादा है और किस बात का इतना भीड़ यहाँ पे होता है वो समझ में नहीं आता। लाखों की संख्या जो कि आप देख पा रहे हो वो एक बोट और दूसरा उसके बगल में बना हुआ ये सूर्य मंदिर जो कि सिर्फ पत्तों से और बांस के फ्रेम से और पत्ते को ही डिज़ाइन करके इसे खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो डिज़ाइन करा गया बनाया गया। तो बस यही दो चीज़। भूत आया लिटरली मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये है यहाँ पे आपको राम मंदिर जो कि बन रहा है अभी उसका आपको 3D मॉडल दिख सकता है, देख पा रहे हो। ये आपको अयोध्या में बन रहा जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा अनवर सेठ। तो ये अनवर सेठ जी है जो कि यहाँ पे मंदिर को और इस मेले का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। बच्चों वाली ट्रेन जिसका टिकट प्राइस है 50 रुपये। क्या रुपया? 120 रुपया। जुरासिक पार्क का ये है, जुरासिक पार्क का एंट्री गेट और यहाँ से होगा क्या हमें जाना है जुरासिक पार्क के ऊपर में आपको गर्दन हिलाता हुआ टाइगर दिख रहा हूँ। ये है जुरासिक पार्क और जुरासिक पार्क ये बात लाइट ही इतना ज्यादा है कि आपको कभी लाल कभी हरा दिखेगा, जंगल का कलर क्या आपको पता ही नहीं चलेगा। चारा बंदर पेड़ से लटक रहा था गिर गया तो हाथ से पकड़ कर खड़ा है अभी वो है बंदर और बंदर जिस पेड़ पे बंदर था उसी पेड़ पे अजगर भी है जिसका माउथ देखो कितना खुला हुआ है। अमर ये बंदर क्यों गिरा? क्योंकि पेड़ में अजगर है समझा आते हुए। और इस जंगल में बहुत सारे हिरन हैं, एक वहाँ पे और एक ये है और इसके आगे और भी छोटे छोटे हिरन थे। काफी हुजूम हुआ हुआ यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं आप देख पा रहे हो, लाइन लगी हुई है और ये सभी लोग लाइन में इसलिए लगे हुए क्योंकि इसे देखना है ये जुरासिक पार्क। और जुरासिक पार्क में बड़े बड़े हाथी हिरन बाकी सारे आने वाले हैं। किसी का गर्दन खराब हो गया, सुजन है उसमें से गर्दन हिला रहा है, हाथी के गर्दन में प्रॉब्लम समस्या आ गई है। यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ये था जुरासिक पार्क जो आपने देखा और जुरासिक पार्क से मतलब बाहर जा रहे हैं। अपनी क्षमता से अधिक लोगों को अपने में ये करके रखा हुआ है कभी भी किसी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है। यहाँ आने वाले सभी लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता होगा क्योंकि अंदर में इतना ज्यादा डस्ट होता है ना, देखिए आप यहाँ पे खुली सांस लेने से आपको खड़े खड़े जैसे लगेगा बीमार पड़ जाओगे। बिना मास्क यूज किए यदि आप यहाँ पे आते हो तो समझो आप बीमारी को घर लेके जाते हो। बिना मास्क के आप यहाँ आते हो तो समझो बीमारी को घर लेके जाते हो, इतना ज्यादा डस्ट उड़ रहा भाई अंदर में। रात के 9:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने फाइनली सारा मेले में घूम के वापस आके जहाँ से हम लोगों ने जर्नी अपना स्टार्ट करा था
वहाँ आके बैठे हुए, क्योंकि हमारे दो साथी जो है, दो तीन साथी वो पीछे ही रह गए। अभी हम लोग उसका वेट कर रहे, करीब आधे घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए, वो लोग अभी तक आया नहीं है। तो वैसे इस मेले की ख्याति इतनी है कि लोग दूर दूर से ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है, फिर भी ट्रेन को यहाँ पे तार जो रहता है ना केबल, उसे खींच करके रोक करके काफी संख्या में लोग उतरे और वो लोग मेला देख रहे हैं, मेला देखने के लिए यहाँ पे मेले मार रहे। अभी रात के 10 बज रहा है और हम लोग सब वापस घर जा रहे हैं, और जितने लोग अभी वापस जा रहे हैं उतना ही लोग उतना के आसपास इतने सारे लोग अभी वापस मेले की ओर आ रहे हैं। तो सोचो ये मेला कितना भयानक है, कितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पहुँच गया था, गाड़ी उठाते फटाफट ऐसे निकलते। तो वैसे अभी रात के 12 बज रहे और अभी हम लोग ढाबे पे पहुंचे, यहाँ आई होप खाना वाना मिले और इसके बाद हम लोग वापस घर जाएंगे। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बाकी सभी दोस्तों में शेयर करें। आवाज़ मेरा बहुत ज़्यादा चला गया, चूँकि इतना साउंड दो दिनों से बोलना पड़ रहा था, इसकी वजह से मेरा आवाज़ ही चला गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड मी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।